सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो फिर आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग, यानी कि इसमें बलून वगैरह ऐड करके मैंने इस कॉन्सेप्ट को बनाया है और बैकग्राउंड भी काफ़ी तगड़ा है। तो मैंने सोचा कि भाई एक इस पर कॉन्सेप्ट बनाया जाए, ठीक है, जो कि बलून कॉन्सेप्ट है और आप लोग इस टाइप से फ़ोटो अपना एडिट करके बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल बना सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं मतलब थोड़ा भी मतलब आप लोगों को बोरिंग नहीं करूँगा, मतलब फुल वीडियो एकदम लगातार बना दिया है मैंने, तो आप लोगों को जो समझ में आएगा मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करूँगा थोड़ा भी। तो आप लोग भी थोड़ा मतलब वीडियो कट करके मत जाइएगा, वीडियो को पूरा फुल देखिए। आप लोगों को मतलब मैंने इसमें बोर मतलब नहीं किया है आप लोगों को, मतलब ये वीडियो आप लोग लास्ट तक पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताया है। आप लोग लगातार देख लीजिए इस वीडियो को और अपना फोटो एडिटिंग कीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, इस वाले बैकग्राउंड को हमें सिंपली यहाँ से शेयर कर लेना है पिक्सआर्ट के अंदर, और इस बैकग्राउंड पे मैंने पूरा एडिटिंग किया है। तो आप लोग को दिखाते हैं इसके ऊपर से अपना फ़ोटो कैसे लगाना है, ठीक है। आप लोग सिंपली यहाँ पे सिटिंग वाला अपने मतलब अपने बैठकर फ़ोटो अगर क्लिक करवाया होगा तो यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे बीच में। अगर आप लोग खड़े हैं तो भाई यहाँ पे साइड में यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे अपना मतलब अगर खड़े हैं तो यहाँ पे लगा सकते हैं, बैठे हैं तो यहाँ पे बीच में लगा के उसके बाद से अपना एडिटिंग प्रोसेस कुछ चालू करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अपने पहले फ़ोटो को रिसाइज कर लेता हूँ। तो यहाँ से देख लीजिए आप लोगों को मैं कैसे अपने फ़ोटो को रिसाइज करता हूँ। तो सिंपली टूल्स में जाना है और रिसाइज करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, पूरा कटआउट कर देना है, फिर 3098 लिख देना है। देख लीजिए 3098 लिखना है और उसके बाद से रिसाइज कर देना है अपने फ़ोटो को। अब क्या करेंगे, जो मैंने कटआउट करके पहले से रखा है उन सब PNG को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि कटआउट में आप लोग जानते हैं कितना ज़्यादा टाइम लगता है और आप लोगों को टाइम नहीं गंवाना है। तो आप लोग सिंपली एक ऐप आता है, क्या नाम है उसका, हाँ, फोटो रूम करके कोई ऐप है, उसमें अपना फ़ोटो मतलब आप लगा सकते हैं सिंपली, बहुत ही आसानी से उसमें कटआउट हो जाता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो अपना फ़ोटो कटआउट करके रखा हूँ वो पहले लगा लेता हूँ। यहाँ सिंपली ये मेरा एक ग्रुप फ़ोटो हो गया, एक इनका फ़ोटो हो गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है और ऐड करने के बाद देखिए आप लोगों को प्रोसेस में बताता हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहले मैं पहले इस फ़ोटो को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से, और इनका फ़ोटो कुछ इतना कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इतना। और क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली इरेजर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इरेज को हार्डनेस पूरा कम कर लेंगे और यहाँ से इरेज कर लेंगे ऐसे, ठीक है, जैसे ये मैनिपुलेट हो जाएगा इसमें, तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर देना है। उसके बाद से क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन पर आएंगे और अपना भी थोड़ा सा हार्डनेस कम करके यहाँ से इरेज कर लेते हैं, ठीक है। सिंपली इतना करने के बाद अब हमको क्या करना है, एक प्रोसेस के बाद उसके बाद से हम यहाँ पे PNG वगैरह ऐड करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पे एक प्रीसेट लगाना है, उसके बाद से मतलब अपना फ़ोटो को आगे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं इस वाले फ़ोटो को मतलब लाइट रूम में ले जाके उसके बाद से एक प्रीसेट लगाता हूँ, उसके बाद से देखिए ये फ़ोटो कितना ज़्यादा मस्त लगने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ग्रीन आ गया है, तो ग्रीन हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए मतलब बैकग्राउंड से मैच हो, ठीक है। तो बैकग्राउंड से मैच करने के लिए हमें यहाँ पे ब्लैक टोन डालना पड़ेगा, तो ब्लैक टोन के लिए मेरे पास एक प्रीसेट है, आप लोग यूज कर लीजिएगा, बहुत ही मस्त प्रीसेट है, ठीक है। तो आप लोग भी अपने हर एक फ़ोटो में उसे यूज कर सकते हैं अगर आप लोग को ब्लैक टोन रखना है। तो पहले से सेंड कर लेते हैं लाइटरूम में, और लाइटरूम में आने के बाद देखिए आप लोग को क्या करना है, कैसे वो प्रीसेट एड करना है, मैं आप लोग को बताता हूँ। तो देख लीजिए ये वाला हमारा फ़ोटो है और यहाँ से सिंपली हम इस वाले प्रीसेट को यूज कर लेंगे, और इसका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मतलब मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके सिंपली यूज कर लीजिएगा अपने फ़ोटो में। तो यहाँ पे ब्लैक टोन लाने के लिए इसी को यूज करना पड़ता है, जो बहुत ही मस्त यहाँ पे फेस टोन भी आ जाता है, देख लीजिए यहाँ पे, हाँ, तो देख लीजिए कितना मस्त मतलब फेस टोन भी दे दिया है और यहाँ पे ब्लैक भी हो गया है। लेकिन अगर मैंने इस बैकग्राउंड को चेंज किया जिसके वजह से मतलब बैकग्राउंड में मतलब जो ग्रीन पार्ट होता है उसे भी ब्लैक कर दिया जिसके वजह से अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसे हम लोग पहले इरेज करेंगे, ठीक है। तो इरेज करने के लिए सिंपली इसे पिक्सआर्ट में सेंड करते हैं, कैसे शेयर कर लेते हैं पिक्सआर्ट में, और पिक्सआर्ट में आने के बाद देखिए आप लोगों को क्या करना है। तो मैं मतलब अपने फ़ोटो में कर रहा हूँ, आप लोग मतलब अपने फ़ोटो के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आप लोगों को अगर ब्लैक टोन लाना है तो उस वाले मतलब प्रीसेट को यूज कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद से देखिए आप लोगों को क्या करना है,
यहाँ पे इसे फ़ोटो ऐड कर लेना है जो आप लोगों का मतलब पहले का फ़ोटो होगा, ठीक है। उसके बाद से हार्डनेस पूरा कम करके यहाँ से यहाँ पे इरेज कर देना है, कुछ ऐसे इरेज कर लेंगे नीचे वाले पार्ट को। तो यहाँ से इतना हो जाने के बाद अब हमें PNG वगैरह ऐड करना है, तो मैं आप लोगों को ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसे सिंपली डन कर लेते हैं। डन करने के बाद से अपने डाटा को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद सिंपली आप लोगों को जितना भी मतलब मैंने इसमें PNG वगैरह लगाया है उसका मतलब देखिए कहाँ से आप लोग को जाना है। तो सिंपली स्टिकर पर जाना है, और सबका PNG का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन जो मैंने ऑनलाइन यूज किया है वो आप लोग देख लीजिए। तो आप लोग सिंपली बलून लिख देना है, ठीक है। तो बलून लिखने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा बलून आ जाता है, और बलून में से मैंने ये वाला एक यूज़ किया था, और जो यूज किया था वो आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। तो कुछ ये ऐसे कुछ पकड़ा देना है हाथों में, ठीक है। ये इतना हो जाने के बाद अब क्या करना है, और भी बलून मैंने ऐड किया था जिसे ऐड करते हैं फिर से। तो ये एक बैलून रहा, तो इसे कुछ ऐसे पीछे करके लगा देना है, और भी हमें यूज कर लेना है। तो और ये एक ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इस टाइप से इसे ऐड कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब इस वाले को ऐड करेंगे जो ये बबल्स हैं, तो बबल से ऐड करेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे कर लेंगे। फिर यहाँ पे जाएंगे लेयर वाले ऑप्शन पे और डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे, और कुछ ऐसे कर लेंगे यहाँ पे। तो इसे कुछ ऐसे जूम कर लेते हैं और ऐसे लगा लेते हैं। अब इतना हो जाने के बाद अब हमें PNG ऐड करना है, जो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि इसका लिंक मेरे पास है। तो इसका मतलब आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन ये जो मैंने मतलब ऑनलाइन बताया है तो आप लोगों को सिंपली PicsArt में ही मिलेगा, तो आप लोग यहाँ से आके डाउनलोड कर लीजिएगा। मतलब मैसेज में मतलब ये मत पूछना कि भाई इसका लिंक नहीं दिए, इसका लिंक नहीं दिए, भाई पहले ही देख लो। मैंने इसमें बता दिया है कि मतलब मैंने ऑनलाइन इसे सर्च करके लाया था, जो आप लोगों को सामने है, ठीक है। तो आप लोग सिंपली यहाँ से जाके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को फुल मतलब वॉच करेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली से कुछ इस टाइप से ऐड कर लेते हैं, और ये वाला PNG का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए सिंपली। तो देख लीजिए हमारा फ़ोटो बन के तैयार हो चुका है, और आप लोग को ये फ़ोटो पसंद आया हो तो भाई इस टाइप का फ़ोटो अपना एडिट करना, मतलब एडिट करना, उसके बाद से मुझे इंस्टाग्राम पर टैग या मेंशन करना, मैं आप लोगों को मेंशन बैक जरूर दूंगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वापस, तब तक लिए बाय, टेक केयर।